हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पोस्ट मैच चैट। आज हमारे पास एक बहुत खास गेस्ट है ऑन गेट टू नो, और वो गेस्ट है पाकिस्तान की बैट्समैन उमामा सुहेल। उमामा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम टू टॉक टू अस। इट्स ऑल द वे फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एज वेल। आप वेस्ट इंडीज में इस वक्त, आपको कैसा लग रहा है वेस्ट इंडीज? अच्छा लग रहा है, यहाँ का वेदर अच्छा है। और हम जब आए थे तो कुछ दिनों पहले यहाँ रेन भी हो रही थी, बारिश वगैरह का सीन था, और हम प्रैक्टिस सेशन भी हमारे हुए हैं तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन उधर यू नो इतना खूबसूरत मुल्क है वेस्ट इंडीज, आपको घूमने फिरने का भी मौका मिलता है? वैसे तो जब भी कहीं जाते हैं तो मौका मिलता है, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से हमें कहीं निकलना नहीं पड़ता तो उस बबल में ही रहते हैं। तो अभी तक वैसे यहाँ बीचेस बहुत अच्छे हैं लेकिन जाने का मौका नहीं मिला। चलें, होपफुली यू नो कुछ ना कुछ आपके लिए शायद अरेंज कर सकें। ये बहुत एक खास स्टोर है पाकिस्तान के लिए, यू नो, क्योंकि पहले आप साउथ अफ्रीका में थे, वो सीरीज हुई थी, और फिर उसके बाद यू नो जिम्बाब्वे वाला टूर कैंसिल हो गया, तो काफी लंबा गैप आ गया आपके इंटरनेशनल गेम्स में। अब आपको फिर से मौका मिल रहा है यू नो वेस्ट इंडीज के साथ खेलने के लिए, जिनके खिलाफ आपका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो आप लुक फॉरवर्ड करिए सीरीज में। आप क्या अचीव करना चाहेंगे इस सीरीज में? हम ऑब्वियसली जीतने की तरफ ही जाएंगे क्योंकि हमारे आगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं और एशियन गेम्स हैं, और फिर इंग्लैंड से सीरीज भी है हमारे पाकिस्तान में, तो ये हमारे लिए अच्छी प्रिपरेशन है कि हम यहाँ पे अपना बेस्ट दें और ये सीरीज जीतें ताकि आगे के लिए हमें कॉन्फिडेंस हो। बिल्कुल, आपने बात की इंग्लैंड के आने की, तो ये बाकी बहुत बड़ी खबर है कि इंग्लैंड की वुमेन्स टीम हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान में आ रही है खेलने के लिए। ये पाकिस्तान की टीम के लिए भी बहुत एक्साइटिंग है। जी, बहुत एक्साइटेड है, और बहुत टाइम बाद हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, और होपफुली इस यहाँ से जीतने के बाद वहाँ के लिए कॉन्फिडेंस लेके जाएं। हाँ बिल्कुल, होपफुली, लेट्स होप दैट्स द केस। अच्छा, तो जब अब होपफुली तब तक पैंडेमिक भी थोड़ा सा यू नो ईज ऑफ हो जाएगा, कोविड का मामला थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपको जब मौका मिले यू नो इंग्लिश टीम को थोड़ा सा घुमाने फिराने का, आप उनको कहाँ पे लेके जाएंगे? आप ऑब्वियसली आपका ताल्लुक कराची से है, तो यू नो वेयर वुड यू टेक द इंग्लिश टूरिस्ट्स व्हेन दे कम? यहाँ के हम उन्हें बीच दिखाएंगे कि उनके और हमारे बीच में क्या फर्क है बीचेस में, और वहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं दो दरिया में, तो वहाँ पे हम उनको लेकर जाना चाहेंगे। Hopefully aapko mauka milega. They like to go out and about the England women's team, so hopefully we'll get a chance to. Acha, aapke bare mein baat karte hain Umaima, aapko shuru mein cricket mein dilchaspi kaise shuru hui? Waise to thi hi, main apni gali mein khelti thi boys ke sath, phir ek aisi main school mein boys ke sath khelti thi to mere PE teacher the, wo main aisa khelti thi to mujhe kehte the ki tum ladkiyon ki team se kyun nahi khelti, itna acha khelti ho। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे शौक है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ होती है और क्या सब सेटअप है उनका, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी एकेडमी में आओ, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। और उन्होंने मुझे सारा वहाँ पे खिलाई क्रिकेट, पूरा एक प्लेयर बनाया, फिर उन्होंने मुझे ट्रायल्स पे भेजा, फिर उस ट्रायल से मैं सेलेक्ट हुई और वहाँ से फिर मेरा करियर स्टार्ट होता गया। स्कूल्स में या मुख्तलिफ क्लब्स में यू नो गर्ल्स की टीम्स होती नहीं है, उनको बॉयज टीम में खेलना पड़ता है, एंड यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, तो यू नो लाइक आपकी क्या एडवाइस होगी जो यू नो मुख्तलिफ यंग गर्ल्स इस वक्त क्रिकेट खेल रही हैं, और इस वक्त यू नो वो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, जो 5 साल पहले या 10 साल पहले बहुत कम ऑप्शंस थी, लेकिन अब वो ऑप्शंस बढ़ रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, आप क्या एडवाइस देंगी यंग गर्ल्स को जो क्रिकेट को टेक अप करना चाहती हैं? मैं उनको यही कहूंगी कि आए और वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, अपना शौक पूरा करें, कुछ और उनके पेरेंट्स को भी ये कहूंगी जो इस फील्ड में उन्हें आने नहीं देते, तो ये बहुत अच्छा है कि उन्हें सपोर्ट करें वो लोग और उनका शौक पूरा करवाएं, और इंशाल्लाह। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं, ये उनको चलाएं, उनको मौका दें, अब तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए हैं। अकेडमीज हैं यहाँ पे और हर जगह ही क्रिकेट हो रही है लड़कियों की, तो बहुत अच्छा खुला चांस है, वो जरूर आए और इस फील्ड में बिल्कुल हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल यू नो, और जितनी ज्यादा हमारी यंग गर्ल्स क्रिकेट खेलना शुरू करेंगी, विल हैव यू नो मोर कंपैक्ट। बिल्कुल, और एक वक्त पे मेरी बड़ी उम्मीद है कि इट विल हैव अ वुमेन्स पीएसएल एट सम स्टेज, वो उसका कितना मजा है। हाँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पीएसएल अगर पाकिस्तान में होता है तो थोड़ी बाहर के प्लेयर्स आएंगे, क्रिकेट यहाँ पे स्टार्ट होगी,
और जो दूसरी गर्ल्स हैं जो नहीं खेलती हैं वो उसको देख के स्टेप लेंगी और क्रिकेट में आएंगी. बिल्कुल इंस्पायर हो सकती हैं. यू नो कराची की किंग्स की टीम बहुत देख ली है, अब कराची क्वींस को हम देखना चाहते हैं. यू नो दिस इज द आइडिया. लेकिन देखिए वुमेन्स क्रिकेट की काफी डेवलपमेंट हो रही है इंटरनेशनल तौर पे. इंग्लैंड में द 100 टूर्नामेंट जो है उसमें वुमेन्स की लीग साथ में चल रही है. ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स बिग बैश भी चलता है. इंडिया में IPL चैलेंजर होता है. तो आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की जो T20 है, T20 क्रिकेट या जो लीग्स हैं, उनमें कोई कमी है या वो सही तरफ जा रहे हैं, या आप उनको क्या कैसे एनालाइज करेंगी? हम इस तरह से करूँगे कि अच्छा सब कुछ हो रहा है, हमारा बोर्ड हमारे लिए सब कुछ करता है. अभी उन्होंने ये सीरीज अरेंज करी, इससे पहले हमारे वहाँ कैंप्स लगे हुए थे और इससे पहले साउथ अफ्रीका का टूर था. ये थोड़ा पेंडेमिक का मुश्किल टाइम है, लेकिन इसमें भी हमारा बोर्ड हमारे लिए बहुत कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है. और आगे भी हमारी बहुत सारी सीरीज हैं, तो होपफुली उसके लिए और ये सब आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह यहाँ पे. वैसे हमारे बोर्ड ने कहा हुआ है कि PSL भी आएगा, तो उसके लिए भी लुकिंग फॉरवर्ड है. बिल्कुल. और आप पर्सनल तौर पे, यू नो आपने अभी 13 मैच खेले हैं वन डेज और 26 T20s खेले हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन आपकी काइंड ऑफ गोल क्या है इस वक्त पाकिस्तान की टीम में? लाइक आपके कोई पर्सनल गोल्स हैं, यू वांट टू गेट टू द 50 मार्क, maybe get to the 100 mark, like aapke dimag mein kya chal raha hai, what would you like to achieve on this tour? Is tour pe mera hai ki main kabhi maine 50 nahi kari, uske kareeb kareeb gayi hu, but hamesha wo reh jati hai, to mera goal hai ki is dafa maine inshaallah usko achieve karna hai. aur ye future ka plan bata rahi hu ki top 10 mein maine apne aap ko dekhna hai, world top 10 rankings mein. very good aim. We really hope, I really want to see you get a 50 as well. You know, you play such brilliant shots, you know, especially through the covers, very correct cricket. So, you know, hamari puri umeed hai ki is tour pe inshallah aap pura karenge is 50 mark ko. Acha, aap mujhe ye batao, jab aap bachpan mein cricket TV pe dekhti thi to aap kiski game pasand karti thi, men's ya women's ya jo koi bhi aapke players jinko aap pasand karti thi, unke bare mein bataye. Us time pe to Shahid Afridi aur Shoaib Malik, in log ki game bahut pasand karti thi main, aur unse inspire bhi hui thi, to isi tarah aahista aahista shauk bhi badha tha. तो अब तो बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, अब बाबर आजम और स्मिथ, कोहली, ये सब, इन सबको मैं फॉलो करती हूँ. वेरी गुड. और आपके भी अब बहुत से फैंस हो गए हैं, लोग यू नो वुमेन्स क्रिकेट को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, इसकी बहुत फॉलोइंग डेवलप हो रही है. तो आपको कैसे महसूस होता है जब यू नो बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, यू नो आपको कैसे फील होता है? बहुत अच्छा लगता है जब कभी आप ऐसे ही घूम रहे हो, नो हाउ, आपको कोई पूछता है कि आप उमेमा सुहेल हैं, और पिक्चर लेते हैं, और तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है. अपने ही मुल्क में जब कोई आके आपको पूछता है कि मैं आपसे पिक्चर ले सकता हूँ आपके साथ, अरे आप तो वो हैं, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंबर हैं, तो ये अच्छा लगता है सुन के. अच्छा, कभी इरिटेटिंग नहीं होता जब कभी कभी खाना खा रहे हो और फिर यार खाना तो खा दे यार, की हो गया? नहीं नहीं, इतने फैंस आते नहीं है कि हर वक्त तंग करते रहे, तो लेकिन ये कुछ कुछ आते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस. इतने ही ग्रेशियस आप हमेशा रहे अपने फैंस के साथ, ना हमारे फैंस ही क्रिकेट को बनाते हैं. अच्छा उमेमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया. लेकिन आपको जाने से पहले हम एक आपके फैंस आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे पास एक राउंड है क्विक सिंगल्स, क्विक फायर क्वेश्चंस आपको पूछेंगे. सिर्फ ये क्विक सिंगल्स, वैसे मैंने देखा आप ज्यादातर बाउंड्रीज मारती है, लेकिन फिर भी आपके साथ हम क्विक सिंगल्स करेंगे. ठीक है, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपने जल्दी से जो भी आपके दिमाग में जवाब आता है वो आपने मुझे देना है. ठीक है, रेडी? या फैंटास्टिक. ओके, आपकी फेवरेट ग्राउंड? फेवरेट ग्राउंड मलेशिया किनरारा ग्राउंड. मलेशिया किनरारा, दैट्स वेरी, आई डोंट इवन नो दैट, वेरी गुड, वेरी गुड चॉइस. आपकी फेवरेट खाने की चीज? बिरयानी. कौन सी किस्म? वेजिटेरियन चिकन या लैम? Chicken biryani. Very good choice. अच्छा, आपकी favorite film? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Classic. Very good choice. अच्छा, आपके cricket bag में इस वक्त कितने bats हैं? मेरे पास 4 bats हैं. 4 bats हैं. You've got one more than Sidra Nawaz. He's only got 3 right now. अच्छा, आपका favorite song? नदियों पार सा जनता जा. ओह, ये सब तो बहुत चल रहा है आजकल, बहुत टॉप पे चल रहा है. अच्छा, आपका फेवरेट शहर? हमारे वैसे नॉर्दर्न एरियाज बहुत खूबसूरत हैं, उसमें एक मेरा स्कर्दू फेवरेट है, तो स्कर्दू, ग्रेट चॉइस, वेरी वेरी गुड. इफ यू हैव नेवर बीन टू स्कर्दू, पीपल
Go to Skardu, it's fantastic. अच्छा, आपकी फेवरेट बुक? बुक वैसे मैं पढ़ती नहीं हूँ और मुझे शौक नहीं है इस चीज़ का, तो कुछ कोई ऐसी है नहीं। आपको और सिद्धा नवाज दोनों को मैंने बुक्स भेजनी है, आपने बुक्स पढ़ दी, यू नो दिस सम ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, आपको हम भेजेंगे, डोंट वरी, आप बेशक ना पढ़ना, हम फिर भी भेज देंगे. मेरी हॉबीज में कमी अच्छा, आपका आती फेवरेट टीवी प्रोग्राम? है। मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम कपिल शर्मा का एक शो है। हाँ, द कपिल शर्मा शो, यस या वेरी गुड. अच्छा, कोई ऐसा प्लेयर जिससे आप मिलना चाहती हैं? मैं मैगलैन से मिलना चाहूंगी। मैकलैनिंग, ग्रेट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर. अच्छा, आपकी ड्रीम कार मर्सिडीज, कौन सी वाली? उसकी सारी कार मुझे पसंद है, उसका ब्रांड ही वेरी गुड, पसंद है मुझे। वेरी गुड, आई लाइक इट, दैट्स ग्रेट. अच्छा, और फाइनली आपकी ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर, मेल या फीमेल? मेरे हैं कोहली, विराट विराट कोहली. कोहली। Very good, very good choice. He'll be very happy to hear this. We'll make sure he gets the message. Umaima Sahel, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया. आप वेस्ट इंडीज में बैठी हैं, होपफुली आपके लिए बहुत कामयाब टूर होगा. और यू नो हमारी दिली ख्वाहिश है इधर पोस्ट मैच चैट पे कि आपकी पहली 50 देखें इस टूर पे, इंशाल्लाह. थैंक यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, उमैमा सहेल, एवरीबॉडी. बाय।